कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने मोलरता मोलैरिटी के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दे रखे थे आपकी बुक्स में, उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम मोलरता के वो सभी क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं कि जो हमसे बोर्ड में हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें क्या पूछा गया था कि भाई 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और ये इन इन सनों में पूछा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो इस तरह करना, जल का द्रव्यमान। तो देखिए हमें जल का द्रव्यमान मतलब उसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 180 ग्राम। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, जल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं इसे मोलर मास। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास और इसे कहते हैं मोलर मास। देखिए कैसे निकालेंगे, भाई जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है जल का, बताइए ये फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार एटॉमिक वेट 1 होता है, कितने हैं यहां पर सर, 2 परमाणु हैं तो इनटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है सर 16, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। आप देखिए मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है, हम किसके मोलों की संख्या निकालना है, जल के, कितने ग्राम में, 180 ग्राम में। तो क्या करेंगे हम, H2O का द्रव्यमान लिखेंगे, H2O का द्रव्यमान बोले तो मास अपॉन H2O का मोलर द्रव्यमान। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको याद रखनी है कि ये इस तरह से हम मोलों की संख्या निकालते हैं। तो यहां मैं लिख भी देता हूं H2O के मोलों की संख्या बराबर H2O का द्रव्यमान बटे H2O का मोलर द्रव्यमान। चलिए इसे मैं यहां कर देता हूं आगे, इक्वल टू द्रव्यमान सर 180 ग्राम है लिख दिया, मोलर द्रव्यमान कितना है 18 है, जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आ गया, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो कि बहुत सिंपल था और आपका एक नंबर आपको देखे जाएगा। तो आई होप ये वीडियो और ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।